आज प्रोफेसर केमिस्ट्री लेकर आए हैं एक और वीडियो और ये कंटिन्यूशन है हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज का। तो इसमें मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम टॉपिक कवर करो। तो हमें अभी पता है कि अमोनियम आयन को अगर हम डिजॉल्व करते हैं तो एक इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं, ठीक है। ये एक ही प्लस है, दो प्लस नहीं है। कभी कभी मैं मेरा काम करने का तरीका ये है कि मोटी बनाता हूँ और बहुत देखता नहीं, छोटी मोटी मिस्टेक्स को अवॉइड करता हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है। मतलब मैं कहीं क्या बोल रहा हूँ, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में तो प्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पे थोड़ी बहुत गलती चलेगी लेकिन चलेगी हर जगह पे। तो पीएच कितना होगा इस सोल्यूशन का, 3.17, जो हमने पिछले लेक्चर से बजाना है, पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने जब देखा था। और अगर इसी के सोडियम एसिटेट को अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा तो आयनाइज करेगा, और इस सॉल्यूशन की अगर वाटर से रिएक्शन होगी तो एसिटिक एसिड बनेगा। इसका पीएच कितना रहेगा, इसका पीएच होगा बेसिक, ठीक है। इतना कुछ हमारा जानने के बाद में क्या हम सोचे, लेट्स से कि अगर हम इन दोनों सॉल्यूशन को कंबाइन कर, क्या हो अगर हम इन दोनों सॉल्यूशन को कंबाइन कर दे, मतलब एक अमोनियम क्लोराइड है ये भी हो, ठीक है, और सोडियम एसिटेट हो, मतलब है ना। वैसे तो ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा CH3CONH4+ और NaCl में, तो क्या होगा, यही आज का टॉपिक है, यही आज की वीडियो के बारे में हम बात करेंगे कि पीएच कितना होगा। तो बहुत मतलब अगर आप देखिए तो दोनों के दोनों हाइड्रोलाइज करेंगे, अमोनियम आयन भी हाइड्रोलाइज करेगा। अगर अमोनियम आयन हाइड्रोलाइज करेगा वाटर के साथ रिएक्शन करके, इट विल प्रोड्यूस NH3+H3O+ विच इज एज यूजुअल, ठीक है। CH3CO- अगर वाटर से रिएक्शन करेगा तो CH3COH बनेगा, OH- बनेगा, यानी एसिड भी बन रहा है बेस भी बन रहा है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, उसी वो गवर्न करेगा, ठीक है। तो एक्शन के लिए रेडी हो जाइए और हमारे चैनल पे आ जाइए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जितना ज्यादा आप हमको सपोर्ट करेंगे उतनी ज्यादा वीडियोस हम बना पाए, ठीक है। तो अब इसका मतलब मैथमेटिक्स स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे ही हम मतलब ये रिएक्शन करेंगे तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों हाइड्रोलाइसिस होंगे। तो अगर हम एसिड कॉन्स्टेंट निकालेंगे एसिटिक एसिड के लिए, इट विल बी KW/KB जो एसिटेट आयन के लिए हमने निकाला है। इसी तरीके से इसका हाइड्रोलाइसिस कॉन्स्टेंट निकालेंगे, इट विल बी CH3CO-KW/KA, ये दो टर्म्स हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब वो है कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें बहुत डिटेल मैथमेटिक्स चाहिए, इसलिए हमको प्रोफेसर केमिस्ट्री की आप भी जरूरत है। तो प्रोफेसर केमिस्ट्री प्लीज इसका मैथ हमारे लिए सॉल्व करिए। तो मैथ हम जैसे सॉल्व करेंगे तो लेट्स से कि हम KH और हाइड्रोलाइसिस निकाले, KW/KB रहेगा, इसको निकालेंगे और KH निकालेंगे, दोनों को निकालेंगे, हम देखेंगे कि अगर हमारी मतलब मोलर कंसंट्रेशन 0.1 हम अज्यूम कर रहे हैं इस समय ना, ठीक है। तो दोनों केसेस के लिए जो हमारा जो वैल्यू आएगी KH चाहे अमोनियम के लिए कोई उसके लिए निकाले वो सेम आ जाएगी, और अगर हम H निकालेंगे तो वो स्क्वायर रूट ऑफ KH रहेगा, दैट विल बी समवेयर अराउंड, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे दोनों के सीधे अगर आप CH से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 7.45 × 10⁻¹, एक pH उसके लिए और एक इसके लिए। तो अगर आप ये निकालने की कोशिश करोगे तो H2+ आयन की कंसंट्रेशन और OH- आयन की कंसंट्रेशन यही रहेगी। देखिए ये ऑलमोस्ट आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के इक्वलेंट है, और अगर आप pH निकालने की कोशिश करोगे तो अगर हम इसमें से किसी इसको लेके pH निकालेंगे तो इट विल बी अराउंड 6.13। अब आप ये चीज समझिए कि ऐसा क्यों हुआ भाई, ऐसा सब चीजें तो मतलब सेम ही है। तो जब मतलब जब हम दोनों के वीक एसिड और बेसिस को जब हम कंबाइन करते हैं इक्विमोलर कंडीशन उसमें कंसंट्रेशन में, तो जो कंसंट्रेशन ऑफ H2+ और OH- है एकदम सेम रहती है, डिपेंडिंग ऑन एसिड कॉन्स्टेंट सेम है। लेकिन अगर एसिड कांस्टेंट अलग होते, यहां मैंने एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लिया है,
अगर ये 1.85 की जगह कुछ और होता और इसके बदले कुछ और होता तो ये दोनों टर्म चेंज हो जाती, ये दोनों टर्म क्या हो जाती, चेंज हो जाती। और जैसे ये टर्म चेंज हो जाती, ये चेंज होने के बाद में दोनों दोनों के लिए अलग अलग हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट आते हैं और उसके बेसिस पे कंसंट्रेशन निकलती। ओवरऑल कंसंट्रेशन डिपेंड करती है कि कैसा एसिड कांस्टेंट कौन सा ज्यादा आयनाइज कर रहा है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाना चाहूं, मैं क्या बोलना चाहता हूं कि इट विल डिपेंड्स ऑन विच रिएक्शन इज डोमिनेटेड। अगर ये रिएक्शन डोमिनेटेड है तो पीएच एसिड की तरफ चला जाएगा, अगर ये रिएक्शन डोमिनेटेड है तो पीएच इसकी तरफ चला जाएगा, बेस की तरफ चला जाएगा। यही वीडियो का सार था, ठीक है। तो क्योंकि प्रोफेसर केमिस्ट्री बहुत स्मार्ट है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग योर वीडियोज़।